तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आज हम करने वाले हैं क्यूब एंड ब्लॉक टेस्ट। इसके पहले वाले क्लास में हमने किया है प्रिक टेस्ट और उसका एक अच्छा सा ट्रिक हमने सीखा है, ठीक है। ऐसे ही सेम इस क्लास में भी आप क्यूब और ब्लॉक टेस्ट से एक ऐसा ट्रिक सीखोगे जिसके बाद आपके कम समय में, एक तो बहुत कम समय लगेगा जितना दिया हुआ है उससे भी आपका कम समय लगेगा, और आप क्या करोगे, एकदम एक्यूरेट सही सही क्वेश्चन करोगे। एक ही ट्रिक, ये नहीं कि आपके अलग अलग ब्लॉक के लिए, अलग अलग क्यूब ब्लॉक के लिए आप क्या करो अलग अलग ट्रिक लगाओ, नहीं, एक ही ट्रिक रहेगा और उसी से आप क्या करोगे पूरा आप क्वेश्चन जो है अपना करोगे, ओके, पूरा आप अच्छे से। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बताना क्या रहता है, तो यहाँ पे आपको बताना रहता है हिडन क्यूब। हिडन क्यूब मतलब छुपे हुए जो आपके क्यूब हैं, वह आपको बताना है, ठीक है, वह आपको बताना है। अब यहाँ पे जैसे देखो, आपको शुरू में आगे एक बार देख लो करना क्या, उसके बाद तो ट्रिक आपका है ही। अब जैसे ये देखो, पूरा कई क्यूबों से बन के एक ब्लॉक बना हुआ है ना, कई क्यूब से मिलके आपका एक ये क्यूब ब्लॉक आपका बना हुआ है। अब इसमें आपको हिडन क्यूब बताना है, मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे ये क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, अब किसी भी क्यूब का थोड़ा सा भी पोर्शन दिखाई देगा तो वो उस क्यूब को क्या करोगे, हिडन क्यूब में आप काउंट नहीं करोगे। थोड़ा सा भी पोर्शन अगर दिखाई दे दिया, मान लो ये क्यूब है, इसका ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, तो अगर ये दिखाई दे दिया तो इस क्यूब को हम काउंट करेंगे ही नहीं। यहाँ पे देखो, अगर ये क्यूब दिखाई दे दिया है तो ये सब काउंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा करना कैसे है इस तरीके को थोड़ा हम एक बार आपको अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। अब देखो, दो व्यूज होते हैं, एक इधर से व्यू और एक इधर से। इसको अगर फ्रंट ले रहे हो, ड्राइंग आप पढ़े होगे उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा साइड व्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपको दिख रहा होगा फ्रंट व्यू और एक इसको मान लो आप साइड व्यू, अब सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्या करना ना, ये फ्रंट में जितना लेयर आ रहा है, ये जितने क्यूब के लेयर आ रहे हैं इसको, और ये जो साइड में जितना क्यूब के लेयर आ रहा है इसको, इसको आप पहले ही हटा देना, ये हिडन क्यूब में होंगे ही नहीं। ये जो है आपका हिडन क्यूब में, इनके जो ये वाला पूरा क्यूब का ब्लॉक है यहाँ पे, और ये वाले लेयर में और इस वाले लेयर में जितने क्यूब हैं ये हिडन क्यूब में होंगे ही नहीं। अगर एग्जाम्पल वाइज देखना है तो ये देख लो, ये क्यूब है इस फ्रंट लेयर में ना, ये क्यूब है, अभी ये देखो दिख रहा है ना, इसके नीचे वाला भी दिख रहा है, ये तीनों दिख रहे हैं, ये आपके दोनों दिख रहे हैं, इधर भी देख लो ये तीनों दिख रहे हैं, ये भी दोनों दिख रहे हैं। तो ये वाला लेयर हमेशा क्या करोगे आप, पहले ही निगलेक्ट कर दोगे, ये हिडन क्यूब में होंगे ही नहीं। अब हमको ये जितने बच रहे हैं उसके बाद, इस लेयर को हटाने के बाद जितने बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, तो एक दो तीन और ये चार क्यूब के जो हैं ये लेयर आपके बचे हुए हैं। अब इसके नीचे ये देखो, ये कितने क्यूब का लेयर है, ये तो तीन क्यूब का ये लेयर है, तो इसमें देखो, अब देखो ये तीन क्यूब का आपका लेयर बचा हुआ है ना, आपका ये देखो तीन क्यूब का लेयर है। अब इसमें ऊपर वाला क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका बच कौन सा रहा है क्यूब, तो आपका बच रहा है, आपको बच रहा है दूसरा क्यूब। कौन सा क्यूब बच रहा है, तो आपका सेकंड क्यूब है वह आपका बच रहा है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें देखो, इसमें भी कितने क्यूब का ये लेयर है, तो ये आपके तीन क्यूब का लेयर है। कितने क्यूब का लेयर है, तो ये आपके तीन क्यूब का लेयर है। तो अब ये तीन क्यूब तो है, लेकिन ऊपर वाला जो लेयर है ना, इसका ऊपर वाला जो लेयर है वह आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे कितने बचेंगे, इसके नीचे जो दो क्यूब होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। अब इसमें देखो, ये भी तीन लेयर का आपका क्यूब है, लेकिन ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, तो कितना नहीं दिखाई देगा आपको, कितना आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसमें भी आपको दो क्यूब जो होंगे नहीं दिखाई देंगे। अब ये देखो, ये जो इसके पीछे वाले क्यूब है ना, ये मात्र दो ही क्यूब के ब्लॉक है। ये देखोगे तो ये पूरा ऐसा टाइप का है, देख लो जैसे ये बना है ना, सेम वैसा ही यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन उसमें एक क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, एक क्यूब जो होगा आपको नहीं दिखाई देगा। तो पहले में टोटल कितने हिडन क्यूब हो गए, तो पहले में आपको टोटल सेवेंथ हिडन क्यूब हो गए। अब इस वाले में भी यही करेंगे, कौन सा लेयर हटा देंगे, ये वाला लेयर और ये वाला लेयर हमारा जो ये जो पूरा दिख रहा है, ये वाला सब ये आपके फ्रंट लेयर हैं, ये आपके क्या होंगे, ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू से देखोगे तो ये आपके कभी भी हिडन नहीं हो पाएंगे,
ये कभी भी आपका हिडन नहीं होगा। अब बचा कौन कौन सा, तो एक आपका ये बचा है और एक आपका ये बचा है, यही बचा है ना आपके। तो अब देखो ये वाला और ये वाला आपका बचा हुआ है। अब देख लेते हैं ये कितने क्यूब का लेयर है ये सर, तो ये तीन क्यूब का है, लेकिन ऊपर वाला आपको एक दिखाई दे रहा है, हाँ सर एक दिखाई दे रहा है, तो बचे कितने हिडन, छुपे हुए कितने रहेंगे, तो दो आपके छुपे हुए रहेंगे। सेम ऐसे ही इसमें देखो, इसमें भी कितने छुपे हुए रहेंगे, इसमें भी आपके दो रहेंगे, एक ही क्यूब आपको दिखाई दे रहा है। तो कितने हो गए आपको यहाँ पे, दो और दो चार। अब कहोगे सर चार ही तो होंगे आंसर, चार ही तो होंगे आंसर, नहीं मेरे भाई नहीं। अब देखो ये जो आपका ब्लॉक है ना पूरा, ये भी आपका क्या होगा, इधर इस साइड जैसे दिया हुआ है, तो अगर इसको भी कितने लोग होंगे कि जो इस साइड में यहाँ पे एक ब्लॉक होगा और यहाँ पे भी आपका एक हिडन जो है क्यूब होगा। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला है मामला, क्यों, तो देखो ये भी तो हो सकता है कि सर ये तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे इसको कैसे ले लोगे, यहाँ पे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है इसके बगल में। तो आपको देखो यहाँ पे अधिकतर जो है बेस जैसा बना है ना, ये आपका अगर कहीं भी देखो कोई भी क्वेश्चंस में देखोगे तो ये एक बराबर ही बनाया जाता है, ठीक है, एक बराबर ही ऐसे टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एक इसको ले लेना, अगर बुक्स में आपका आंसर फोर दिया होगा तो फोर मत करना, अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एक जो होगा इसका बेस वाला जो क्यूब होगा उसको आप क्या करोगे, काउंट करोगे। फिर से देख लेते हैं ऐसा ही सेम, फिर से एक बार देख लेते हैं थर्ड वाले में। अब इसमें मैंने क्या बोला है, ये फ्रंट वाला ये लेयर और ये लेयर को काउंट हमें नहीं करना है, इसमें सब आपके कोई भी हिडन नहीं होंगे। काउंट किसको करना है, तो अब ये जो चार बचे हैं इसी में आपके हिडन क्यूब होंगे, ठीक है। अब ये कितने का लेयर है, तो तीन का है, तो इसमें दो क्यूब आपके हिडन होंगे। ये कितने का लेयर है, तो ये भी तीन का है, तो इसमें दो, इसमें भी आपके दो और इसमें भी आपके दो, तो टोटल कितने हिडन क्यूब हो गए, तो टोटल आपके आठ हो गए। सेम ऐसे ही देखो इसमें भी आ जाओ, इसमें देखो ये आपका फ्रंट और ये आपका जो है, ये तो पहले ही हटा दो, ये आप पहले ही क्या करो, इसको पहले ही निगलेक्ट कर दो, ये आपके हिडन कभी नहीं होंगे। अब बचा कौन सा, एक दो तीन चार, ये वाला बचे हैं, ठीक है। अब ये देखो कितने क्यूब का लेयर है, तो ये आपके सर दो क्यूब का है, तो एक तो आपको दिखाई दे रहा है, एक आपका जो है हिडन है। ये भी इसके बगल में देखो एक हल्का सा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कितना ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये आपको दिख रहा है एक, आपको दो क्यूब का ये लेयर है, एक आपको थोड़ा सा दिख रहा है, तो एक यहाँ पे हिडन होगा, ठीक है। अब ये कितने क्यूब का लेयर है सर, तो ये आपके तीन क्यूब का लेयर है, लेकिन इसमें जो है तीन क्यूब का तो लेयर है लेकिन मेरे भाई इसमें एक आपको दिख रहा है क्यूब, तो बचे कितने, दो। आपके बचे कितने हैं, तो आपके बचे हैं आपके क्यूब जो हैं, आपके क्यूब कितने बचे हैं, तो आपके देखोगे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलो फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो तीन क्यूब का लेयर है ना, इसमें तीन क्यूब का लेयर है, तो इसमें एक आपको दिखाई दे रहा है, तो बचा कितना आपका, आपको बचा कितना ये देखो, तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो है दो क्यूब जो है हिडन है, और इसके बगल में भी जो आपका होगा ऐसे ही दो क्यूब, तो टोटल कितने हो गए आपके, तो सिक्स क्यूब जो हो गए इसमें हिडन हो जाएंगे। अब आते हैं इस वाले में, चलो ये पहले ही हटा दो, ये इतना तो आप क्या करोगे पहले ही हटा दो, इसके नीचे वाले सब क्यूब जो भी होंगे ये दिखाई देंगे। अब हिडन में कौन कौन सा है, तो ये है ये है ये है और ये है। अब थोड़ा सा एक दिख रहा है ना, यहाँ से एक ब्लॉक दिख रहा है और यहाँ से एक ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ से एक ब्लॉक दिख रहा है और यहाँ से एक ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। अभी किस लेयर का सर ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये हमें किस लेयर का ब्लॉक दिख रहा है, तो सेम समझो ना, ये जो है ना इसके नीचे वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, इसके ही नीचे वाले ये जो है ये ब्लॉक है, ठीक है। तब ये कितने लेयर का सर ब्लॉक है, ये तीन लेयर का ब्लॉक है, तीन क्यूब का ब्लॉक है, कितने क्यूब का ब्लॉक है ये कितने क्यूब का ये पूरा मतलब लेयर बना हुआ है सर, तो ये आपके तीन क्यूब का लेयर बना हुआ है, लेकिन एक तो यहाँ से दिखाई दे रहा है और एक जो है इधर से दिखाई दे रहा है, दो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हिडन क्यूब कितना हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पे हिडन क्यूब आपका होगा एक, और यहाँ पे ये भी तीन क्यूब के लेयर है, तो यहाँ पे आपको जो हिडन क्यूब होगा एक तो दिखाई दे रहा है, आपके दो जो है यहाँ पे हिडन होंगे, इसमें भी दो हिडन होंगे, और ये तो दो क्यूब का ब्लॉक ही है, तो यहाँ पे केवल एक जो होगा हिडन होगा, एक तो दिखाई आपको दे ही रहा है, तो टोटल कितने हो गए, दो दो चार और आपके छः जो हैं, छः आपके हिडन क्यूब हो गए। अब आ जाइए इसमें, इसमें भी ये फ्रंट वाला और ये आपका साइड वाले, पहले ही हटा दो, ये पहले ही हटा देना, हमेशा आप क्वेश्चन कभी भी करना ये पहले ही हटा देना, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं, ये चार बचे हैं आपके, ये चार बचे हैं ना, अब इस पे देखते हैं, ये दो क्यूब का है एक, ये तीन का है तो दो, ये तीन का है
दो, और ये भी तीन का है तो ये दो, कितने हो गए सात, समझ गए। ये आपके सात के यूपीआई। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, आपको ट्रिक मालूम हो गया, अब थोड़ा सा फास्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले ये क्या करना है हमें, पहले ये लेयर और ये लेयर पूरा हटा देना है, ठीक है। बचे कितने, तो ये दो लेयर बचे हैं, कितने के हैं ये, तो तीन लेयर के हैं सर, तो दो आपके हिडन इसमें, दो हिडन इसमें, कितने हो गए टोटल हिडन, टोटल चार हो गए। अब आइए इसमें, पहले इसको और इसको हटा दो, ठीक है। अब बचे कितने, ये चार, ये चार बचे हैं, कितने लेयर के ये क्यूब हैं, तो ये आपके तीन हैं, तो दो तीन हैं आपके, तो इसमें दो हिडन हो जाएगा, इसमें आपका दो हिडन, इसमें भी दो हिडन और इसमें भी दो हिडन, टोटल हिडन कितने हो गए, टोटल आपके एट क्यूब जो हिडन हो गए। अब आओ इसमें भी, ये आपका फ्रंट और ये आपका साइड, इसको पहले ही हटा दो। बचे कौन से, तो ये चार आपके बचे, ये चार आपके बचे हैं ना। अब देख लो ये कितने लेयर का सर क्यूब बना हुआ है, ये तो ये तीन लेयर का है लेकिन एक दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया दो, ये दो, ये दो और ये आपके दो, तो टोटल हो गए आपके एट। अब आ जाओ इसमें देखते हैं, इसमें आप पहले इसको पूरा हटा दो। अब बचे कितने, ये चार वाले बचे हैं, ठीक है। ये कितने का है, तो ये आप इसके नीचे आपके, मतलब ये टोटल जो लेयर बना हुआ है तीन क्यूब का है, एक दिखाई दे रहा है, तो कितना बचा आपका दो क्यूब जो हिडन है, इसमें भी दो क्यूब, इसमें भी दो क्यूब, यहाँ पे ये दो क्यूब का ये आपका लेयर ही है, यहाँ पे जो हिडन होगा एक होगा, तो अब कितना हो गया ये टोटल, ये आपका हो गया सात। आते हैं नेक्स्ट पे, देखो पहले इसको क्या करना है, ये फ्रंट को और ये आपका साइड को हटा दो, ठीक है। बचा चार, अब इस चार में ही देखेंगे क्या, ये आपका कितने क्यूब का है, तो ये तीन का है, तो दो आपके हिडन, इसमें भी दो, इसमें भी दो और इसमें भी आपके दो, टोटल कितने हो गए एट क्यूब जो है हिडन हो गए। अब पहले इसमें, पहले इसमें क्या करोगे, पहले इसको इसमें हटा दो, इसको पहले ही हटा दो, ये आपके पहले ही हिडन हो ही नहीं सकते फ्रंट और साइड वाले, ठीक है। अब ये चार बचा, इसमें देख लो ये कितने क्यूब का है सर, तो ये तीन लेयर का है, तीन लेयर का है मेरे भाई, तीन लेयर का है, तो इसमें दो क्यूब आपके हिडन, इसमें भी दो क्यूब हिडन, इसमें भी दो क्यूब हिडन, इसमें भी दो क्यूब, टोटल कितने हो गए, टोटल आपके हो गए आठ। अब आइए इसमें देखते हैं, ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपके पूरे, ये और ये पूरा हटा दो, ये पूरा लेयर हटा दो जो फ्रंट में, ठीक है, यहाँ से पूरा। अब बचे कितने, तो ये तीन लेयर जो हैं वो पीछे बच रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कितने का ये, कितने लेयर का ये पूरा लाइन है, ये तो ये तीन क्यूब का सर लाइन है, लेकिन इसमें दो आपके हिडन है, इसमें भी दो और इसमें भी दो, तो टोटल कितने हो गए सिक्स हो गए। बहुत देखो कितना सिंपल हो गया। अब ये ट्रिक मालूम होने की वजह से, या जो ट्रिक मालूम होने की वजह से क्या हो गया कि ये पूरा आपका जो है ना, ये पूरा आपका एकदम सिंपल हो गया है, सिंपल पूरा सही से एकदम सिंपल हो गया। चलो इसमें पहले ये फ्रंट वाले जो हैं, फ्रंट वाले आप क्या करोगे हटा दोगे, फ्रंट वाले आप जितने भी दिख रहे हैं आपको वो क्या करोगे हटा दोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला लेयर जो है ना, यहाँ पे ये पूरा ऐसे बना हुआ है आपका एक बीम टाइप का, ठीक है। इसके बगल में जो ये बीच वाला होगा वो दो लेयर का होगा, ठीक है। जैसे ये दो लेयर का है, इसके बीच वाला भी दो, ये भी दो होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, जो चार ऐसे यहाँ पे लेयर हैं, चार ऐसे लेयर हैं जो आपके, जिसके नीचे का जो क्यूब होगा वो हिडन होगा। अब इसमें देख लो, तीन क्यूब का है ना, ये तीन क्यूब का है, तो इसका दो और इसका भी दो, और यहाँ पे जो एक बीच में आपका यहाँ पे ब्लॉक बना होगा उसके नीचे जो होगा एक, तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल आपको दिख रहा होगा सात। टोटल हिडन क्यूब कितने हो गए, तो टोटल आपको हिडन क्यूब दिख रहा होगा सात। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं इस वाले पे, पंद्रहवें पे। देखो ये पहले ही हटा दो, ये आपको क्या कर देना है, पहले ही हटा देना है। अब ये चार आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो हिडन होंगे, ठीक है। अब ये कितने का है, लेयर का है, ये लेयर कितने क्यूब का है, तो ये तीन का है, लेकिन आपको एक ऊपर का दिखाई दे रहा है, तो दो जो होंगे वो आपके हिडन होंगे, ये भी आपका दो हिडन होगा। इसमें आपका क्या होगा, ये दो दो क्यूब का लाइन ही है पूरा, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये लेयर ही आपका दो क्यूब का है, एक आपको हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो एक हिडन यहाँ पे, एक हिडन यहाँ पे, तो टोटल हिडन क्यूब कितने हो गए सिक्स। आ जाओ इसमें, इसमें पहले ही इसको हटा दो, ठीक है। बचा कितना एक, तो कितने क्यूब का ये लेयर होगा, ये तीन, इसके नीचे दो क्यूब होंगे और ये पूरा तीन क्यूब का लेयर है, ठीक है। ये वाला लेयर जो है तीन क्यूब का है, तो इसमें हिडन कितने हो गए दो, तो इसका आंसर हो गया दो। अब आ जाओ इसमें पहले ही इसको हटा दो। अब बचे ये चार, चार बचे। अब इसके ये देखो कितने का लेयर है, तो ये पूरा तीन का होगा, देख लो इसके, इसी के बराबर तो है ये, इसी के प्लेन सरफेस है ना, तो देखो ये तीन है, तो ये भी इसके नीचे भी, ये जो चारों लेयर दिख रहे हैं आपको, ये और ये और ये चारों लेयर जो हैं, ये चारों लेयर आपके क्या होंगे, ये चारों लेयर भी तीन तीन क्यूब के ही लेयर होंगे, तो इसमें दो 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 और दो हिडन, टोटल कितने हो गए आठ हो गए। आ जाओ इसमें, इसमें भी इसको और इसको पूरा हटा दो, ठीक है। अब देखते हैं इन चारों में, दो 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 और दो, टोटल कितने हो गए आठ। देख लो ना फिर से,
ये तीन क्यूब का आपका लेयर है पूरा, ये देखो पूरा तीन क्यूब, एक दो तीन, ऐसे ही इस यहाँ पे भी तो होगा, एक इसके नीचे दो होंगे, ये भी एक ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे दो होंगे, ऐसे आप समझना ठीक है। अब आओ लास्ट इसमें देख लेते हैं, अब इसमें अच्छे से लास्ट बार देखते हैं और यहाँ पे समझ जाएंगे अच्छे से। ये आपका एक और इसको आप पूरा दो, ये पूरा को हटा दो ठीक है, इस पूरे को हटा दिया हमने, हटा दिया। अब यहाँ से देखो, ये आपका इसके यहाँ पे एक है, ये एक एक, ये चार आपके लेयर दिख रहे हैं। अब चार लेयर में हिडन क्यूब हमको बताना है, चार लेयर में हमको क्या बताना है, चार लेयर में हिडन क्यूब, ये कितने का लेयर है, तीन का, तो इसमें दो आपका होगा हिडन। ये देखो बीच में आपको दिख रहा होगा ना, बीच में एक थोड़ा सा एक क्यूब यहाँ से हट गया है ठीक है, तो यहाँ पे वाला बीच वाला जो होगा ना, ये दो क्यूब का लेयर ही है, तो यहाँ पे एक हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो बचा कितना आपका एक, यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये तीन क्यूब का लेयर, तो यहाँ पे दो हो जाएगा। और ये देखो फिर ये हल्का सा जो दिखाई दे रहा है, ये आपका दो क्यूब का लेयर ही है, तो एक क्यूब आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक, तो टोटल कितना हो गया सिक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये पूरा हट गया, और ये भी आपका फ्रंट में दिख रहा है, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका एक क्यूब हिडन होगा, यहाँ पे दो क्यूब होगा, यहाँ पे दो क्यूब होगा, और यहाँ पे दो क्यूब होगा, टोटल आपके सेवन क्यूब यहाँ पे हिडन हो गए। फिर इसको पहले ही हटा दो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे तो इसमें दो क्यूब, इसमें दो क्यूब, इसमें दो क्यूब, इसमें दो क्यूब, तो टोटल कितने हो गए आठ। अब यहाँ से इसको और इसको पहले ही हटा दो ठीक है, इनके नीचे तो कर लो, इनके नीचे करोगे तो एक 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 और एक, ये दो क्यूब के लेयर है ना पूरे, तो यहाँ पे चार आपके क्यूब जो है हिडन हो गए। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें इसमें आपको इसको पहले ही हटा दो ठीक है। अब देखो ये चारों में, ये देखो तीन क्यूब का है तो इसमें दो, ये दो क्यूब का है तो इसमें एक, ये आपका तीन क्यूब का है तो इसमें दो, और ये आपका दो क्यूब का है तो इसमें एक, कितने हो गए तो आपके सिक्स आपके हिडन क्यूब हो गए। अब इसमें आओ, इसमें पहले ये हटा दो ठीक है, पहले ये क्या करो हटा दो। अब आ जाओ इसमें देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपको जो इसके साइड में जो इधर वाला जो है वो आपको ब्लॉक ऐसा यहाँ पे जो बना है ना, सेम डिजाइन इधर भी बना होगा, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो वो दोनों क्यूब आपके हिडन हो गए ठीक है, वो दो हो गए, और यहाँ पे दो दो और दो, ये आपके हो गए एट क्यूब जो है हिडन हो गए। अब आ जाओ इसमें, ये आपका फ्रंट है और ये आपका फ्रंट है, ये पूरा हटा दो। अब इसमें देखो, यहाँ पे दो क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक क्यूब आपका हिडन होगा, यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे दो क्यूब, यहाँ पे दो क्यूब, तो आपके सिक्स क्यूब जो होंगे हिडन हो जाएंगे। अब आ जाओ इस ये पे, पहले ये लेयर पूरा हटा दो ठीक है। अब आते हैं ये आपका चार जो है, चार जो क्यूब के लेयर हैं इन्हीं में जो होगा हिडन होगा। यहाँ पे देखो ये तीन क्यूब का है तो ये दो, ये तीन तो ये भी दो, ये भी तीन क्यूब का लेयर है तो ये भी दो, और ये आपका बीच वाला जो दिख रहा है वो दो क्यूब के लेयर हैं, और वो आपका जो है जो दोनों क्यूब है वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको थोड़े से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी आप ले लोगे यहाँ पे अगर, लेकिन ये अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसा अगर दे दे तो उससे आप क्या करोगे ना, यहाँ पे देखो कई आपके यहाँ पे परसेप्शन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे कि अगर ये थोड़ा सा भी नहीं दिखाई दे रहा तो इसको हम क्या मान लेंगे कि ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका होल है, तो इसको हम ले लोगे केवल सिक्स। कितने क्यूब ले लोगे, इसको ले लोगे सिक्स क्यूब का ये पूरा ब्लॉक है। यहाँ पे हल्का सा दिखाई देना चाहिए था, अगर हल्का सा दिखाई देता तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक लेयर उसके नीचे वाला जो हो जाएगा वो हिडन हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, यहाँ पे जो ये देखोगे तो ये पूरा गैप बना हुआ है ना यहाँ पे, अगर इसमें हल्का सा भी दिखाई देता ना तब हम काउंट करना स्टार्ट करते, नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये पूरा क्या है, यह पूरा क्यूब जो है, पूरा क्यूब जो है वो क्या है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे पूरा एक लेयर ही क्या है, वो यहाँ पे पूरा एक लेयर का होल है, पूरा एक होल टाइप का समझ जाओ, वहाँ पे कोई एक क्यूब का ब्लॉक्स नहीं है, समझ गए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे आपका पूरा क्यूब और ब्लॉक टेस्ट का टेस्ट हम देंगे। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये ट्रिक आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आपको आ गया होगा। एक और देख लेते हैं लास्ट बार ठीक है, ये आपका एक इधर और ये एक इधर, ये पूरा आप लेयर हटा दो। इसमें भी क्या करोगे, ये लेयर और ये लेयर पूरा हटा दो, इसमें भी ये लेयर पूरा हटा दो, और इसमें भी क्या करोगे, ये पूरे लेयर्स हटा दो ठीक है। अब आते हैं काउंट करते हैं, चलो इसमें एक क्यूब, यहाँ एक, यहाँ पे भी 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 एक, और यहाँ पे भी एक, तीन तीन छः और तीन नौ क्यूब यहाँ पे हिडन हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे एक दिखा रहा था ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, यहाँ पे अगर एक दिखा रहा है तो इसके नीचे एक क्यूब जो होगा हिडन होगा ही, समझ गए। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा तो दिखना चाहिए, तब उसको क्या करोगे काउंट करोगे। वहाँ पे थोड़ा भी नहीं दिख रहा था तो वहाँ पे क्या करोगे, उसको होल हमने क्या किया डिटरमाइन कर लिया, उसको माना है ये और वो है ही ठीक है।
तो यहाँ पे एक क्यूब हो गया, यहाँ पे दो क्यूब आपके हिडन हो जाएंगे, इसलिए ये तीन क्यूब का लेयर है, ये भी दो और ये भी आपका कितना हो गया, दो। कितने हो गए, तो ये आपके टोटल आपको जो दिख रहा होगा, ये जो टोटल दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे देखो, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आपको हो रहा है, क्या यहाँ पे एक ही क्यूब हिडन है? क्यों सर? तो ये देखो, हल्का सा क्यूब यहाँ से दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से हल्का सा क्यूब दिखाई दे रहा है, ये इसके नीचे वाला एक क्यूब जो है, यहाँ पे एक ही क्यूब लेयर होगा, यहाँ पे भी एक, तो टोटल आपके सिक्स क्यूब यहाँ पे हिडन हो गए। थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, ये तो आपको सिंपली है क्या, तो यहाँ पे दो क्यूब, दो दो और आपके दो, टोटल एट क्यूब जो है हिडन हो गए। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक एक और एक और इसके नीचे वाले दो क्यूब आपके जो है हिडन है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, पाँच। ऐसे आपका हमें पूरा करना है क्यूब और ब्लॉक टेस्ट का, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया होगा वीडियो को, लाइक करें और शेयर तो करना भूलना मत, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, नेक्स्ट आपका सेशन ऐसे ही एक मज़ेदार ट्रिक के साथ आएगा, और जिसमें आपको फालतू के सभी बातें भूल जानी है, और इसी ट्रिक्स को लेके आपको क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। अब इस ट्रिक से आप पूरा प्रैक्टिस करके देख लो कि हाँ ये सही है कि नहीं है। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।